सुबह की 6 बज रखी है और सुबह सुबह देखो फुहारा की आवाज़ आ रही है हरियाणा का मायने, और पूरी चारों मेर खेती खेती कर रखी है। अठीन है जी को छोटो सो वो गांव है, ये 2 टावर लाग रही और ये रूम में मैं रात में सुत्या, ये लेटरिन बाथरूम है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय नया ब्लॉग। टाइम सुबह का 11:15 हो रखी है और ब्लॉग आज अभी स्टार्ट करे, क्योंकि अति देर नहा धोई करी और बारिश देखो, मौसम देखो पूरा धुंधलो धुंधलो हो रखियो है। कपड़ा लत्ता धोया, चाय पानी तो भाई जी लार दे दी। अब रोटी खातर फोन करियो, अभी टाइम तो मैं गया कोनी, मैं भूख कौन लाग रही। अब है जी को भूख भी लागे लगी थोड़ी थोड़ी। अब देखो बड़े सामने बारिश हो रही है, ए आ मारकन आ गई बे, सावन बाद का लोर आया करे ने बे आन लाग रहे। सुबह 2 मिनट आया, 2 मिनट उठ जाओ, 2 मिनट आया, 2 मिनट उठ जाओ। अब देखो बठिन बारिश होने लाग रही ने, अब डान वाली है। 1 ही मिनट कम है ना जिस, ये लागे जादू हो रही है। हरियाणा तो भाई हरियाणा ही है, बाकी खूब मस्त लोग हटेगा, मस्त लोकेशन है। मतलब यहाँ को नहीं कि जी कौन लगा हटे, कोई आदमी है जो जी लाग जैसी हटे। पूरी तो हरियाली हरियाली है और बंदा ही मस्त ही हटे, एकदम नाइस बंदा ही सारा। तो वो मकान है जिका मैंने मेरी रात ने रुकिया, ये 2 खाट पड़ी आंता ही सोया जी को नींद एकदम तकड़ी। तो वह तोड़ छीक बारिश रुकी है तो मैं तोड़ छीक रोट भी गया वहाँ मैंने ऊपर कर रखना उल्टा उल्टा बटन लगा है, वो एक ही तो है। तो ये घर का मैन में रात ना रुक रहा क्या, वो घर तो वो है और जगह मैन पे भाई साहब रह रहे हैं वो आ गए हैं। तो ये बार के 2-1 साल पहले नया मकान बनवाए, तो बाहु भी मिला श्या बे कुण ही के ही बाहु भी मिला श्या थाने। तो यहाँ सोच रहे होला किन्ने किन्ने जावे है, कोई मिला हाथ को नहीं, सही से बताओ हाथ को नहीं। बात कर बतायो ना मैं वो पिलानी वालों भाई हो जी को, आर्यन भाई जी के बारे में बतायो ना, वो मारो दोस्त है, बांग करने रुक गया मैं 3-4 साल हूँ। मतलब यहाँ सोशल मीडिया फ्रेंड ही है हमारा, 1-2 बार हमारे घर गेट आई विवान है रोटी खावा। एक मैंने देखे बारिश क्वांटम में बेटा आज पूरे दिन ये रेशिया देख ली। ओए क्या चाल रहे हो, मस्त चाल रहे हो ना, हाँ गोदी ले ले, हाँ लगा जोर लगा, जोर लगा रोटी खाई डो है, ले ले गोदी गोदी ले ले, ले, ले। तेरो 3 साल बड़ी आ माँ कन नहीं पापा कन जा, है माँ कन नहीं पापा कन जा, बदु पापा बैठे हो देख, पापा बैठे पापा कन जा। तो फुआरा उजड़ जाओ जना, यूं बूंद 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 पड़ भोग रहे पानी। अभी देखो फूल आए हुए ये वाले, हाँ अब फूलों के ऊपर अगर फुआरा पड़ेगा गिरेगा तो फूल जड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और टपका विधि में क्या होता है कि इनकी जड़ों में पानी जाता है। तो मस्त पेट भरकर रोटी टुकड़ो खा रहा आ गया, एकदम आनंद मंगल हो गया। और अब देख रहे हैं आपको खेत फिर के अलग अलग चीजा जचा रखी है, पाइपड़ो लगा रखी हुई, पाइपड़े टूप हो टूप आपने टायरल टूप हो बी टाइप का, उस बिग मैन छोटा छोटा है जी को फुहारा लगा रखे, मैं बूंद 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 पानी जावे के फुहारा चला देवाना जी का ऊपर ला बडोड़ा हुई बाहू तो कह के फूल आवे नहीं जी का ना फाल बोला बे फाल जड़ जावे। तो आगे घिया लौकी बेबी लाग रही, बेबी दिखावा थाने यहाँ लग रहा है कोई बात छान जच्चा आइडिया ब्याह लो सिस्टम हो रखी है। ए देख लियो भाई लौकी की बेला, मैं तो कौन देखी आज तक, आज हरियाणा आवा नहीं लौकी की बेला देखा नहीं। देखो ठेठ तक वे लौकियाँ लटक रही है, तो आगे बेला है ऊपर ही रहेगी जमीन पर रहे जना, चपटे भी होंगे और प्लस में जो नीचे वाला जो हिस्सा होगा ना वो दागी भी बन जाएगा, दाग लग जाएंगे उसके। हाँ एक ही वजह से हम ऊपर रखी ऊपर, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे भाई साहब आए हुए हैं ये बताएंगे और ज्यादा विशेष जानकारी, इसके पूरे वैज्ञानिक है ये मान के चलो आप। तो भी मन बचत आवेगी की ढंग से, बचत आ भी जाती है नुकसान भी हो जाता है कई बार। तो एक मैं तो थे बार गियांग मैं तो बता रहे हो कि गियांग मैं तो सब मार रहा है इतनी दूर का मैं लगा रहा हूं, तो नुकसान आया इसमें तो नुकसान है फिलहाल, ये चौमासे वाली फिलहाल नुकसान है इसमें, इसमें कोई फायदा नहीं है। मान तो अब जाठा पड़ियो है कि ये जी का खेती करी ने किसान जी का बाड़ी बावी बामन बहुत ज़्यादा मेहनत लगे, मारी कदी बाड़ी तो रात को नहीं मान गेटा किसी की मेहनत लगे। बाकी वे भाई जी घंटा एक तक बताई खानी जब जार थोड़ी बहुत समझ में आई, बाकी वो जो मेरे तो पूरी समझ को नहीं है। नहीं बेटा पड़ जा लो मार, तो विवान ने हरियाणा के ले रहे हो तो पडेसरी मणि क्यों आनता ही पडेसरो पडेसरी चोरन भी कहे मारो बेटो पडेसरी है तो सिखाना तो पढ़ाई तो बिन था थोड़ी है बात छोटी ही गए पाड़ दी। तो
ए भाभी जी है का भाई साहब थाने ए सुबह मिलावा था करता हूं जी। तो ए भाभी जी आपने बताशी के अठे क्या का पेड़ है? पेड़ पपीता का है। यो पपीता को पेड़ है? मैं यहां पूछो ओ आड़ू नीम को पेड़ है के ना? पपीता को पेड़ है के लाग रहे भी है, देखो छोटा छोटा बहुत शानदार लाग रहे। और अठीने ये अनार का, ओ अनार को पेड़ है, अमरूद को भी पेड़ है। और यह तो सा जानो यो नीम की निमोली नीम है या मैं इसके पीछे। और अमरूद पेड़ के पीछे आम को पेड़ है। कद लग गया हरियाणा घूमने दिशा, हरियाणा घूमने दिशा। और अब आज जार कोई बारी आई है क्यों रात में आया जद में बरस लग गया। अब 3:30 बज रही है दोपहर की, तो अब जार कोई में ठम्मी है तो अब मैं दिशा घूमना है। हर एक बात है पेड़ पौधा, पपीता का पेड़ है, पपीता लाग रहा है बड़ा बड़ा, अनार का पेड़, अमरूद का पेड़, नींबू का पेड़, मतलब आम का लमसम लमसम अटे सारा ही पेड़ है। हर अपलो धान भी है, बाजरी, मूंग, गवार ये भी है, और आंको खुद को धान भी है, सरसों है, कपास, कपूस, जो भी हुआ है। मैं तो ज़्यादा आंकी खेती को ध्यान भी कोनी, पर थोड़ा नॉलेज लियो हूँ भाभी जी से जना जा थोड़ी बोलने लगी हूँ मैं। और अठे मतलब भाभी जी और रिश्ता बढ़िया है कि मैंने ये फील ही कोनी हो रही का मैं दूसरी जगह रुकेड़ा ये लग जाना है अपनो ही घर है ऐरा पाटे ही रह रहा मन तो सेम ही लाग रही है। मिस्त्री ओ मिस्त्री मिस्त्री ओ बहुत ही बड़ो मिस्त्री है और एक मिस्त्री ने लेट में लाग रही है। दिव्या दिव्या आ जा अच्छा बिगाड़ ली देखो। तो 3:30-4 बजा दी में अब जार बारिश थमी है और अब मैं घूमने जा रहा हूँ, गोइंग टू घूमने जा रहा मैं और भेरू का बास भेरू बाबा का जा रहा हूँ। बड़े मंदिर एक शानदार शोक वो देख रहा हूँ। बिग बाद मैंने काल बारिश थम सी जना काल घूम सा 3-4 जी गया। जय बाबे की सिस्टम पार दिया ये आर्यन भाई समझा रहा काल मस्त डायलॉग है। अबार मैं आ गया बेरू बाबा के दरबार के मायन, अब जा रहा मैं दर्शन करना हरियाणा के मायन देख लियो थे। और भगवान मार चश्मा लगा लियो है के कोक कबर को लाग रही है, मेरे थोड़ा सा चला हो रहा है बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देसी मन ध्यान है। अब किता दिन देसी बेरो को नहीं झेलनी पड़सी आज जता दिन देसी बिता दिन। विवान तो भाई जी मैं भी बेचियो या फिर खड़ी घुमा बेचियो भेरू बाबा के ले रहे यार। पहली तो 3 बजे तक घर को निकलिया, घर रोटी रेटू साहब हो गया कड़ाई चाह पा हो गया रठे ले रहा दर्शन करवाते हैं उजू पर साथ दियो। दर्शन कर लिया परफेक्ट तरीका से दर्शन कर लिया, बस दर्शन दर्शन नहीं रख लिया अपने आज। हाँ अच्छे से दर्शन होगा, घूम लिया फिर लिया, अब बारिश रुक जाएगी फिर घर चलेंगे। अबे रात ना आया न भी बाद के मैं रोटी खार सो गया, सुबह उठे चाय पानी पी ली, बिग बाद के मैं ओजू रोटी खा ली चाय पानी पी ली, फिर 3 बजे जाता बारिश थमी जनाया सोचो बोले चलना घूमन ने। भाई जी बोलिया कि सारी है 7-8 किलोमीटर है 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर आगे घर से इतनी दूर आया जतन पाछी बारिश पर दर्शन कर लिया आराम से भी दिक्कत को नहीं आई। हरियाणा का अबार घूमने के बाद गमन मैं खा रहा गोलगप्पा और उतक तो बाट की दे है माने गोलगप्पा का टक्कर देसी हड्डी कन ला रहा दे दो भाई जी दे दो जल्दी सी के डिगवाओ यारो। अब पे लिया भाई जी दिया है क्योंकि आके गांव का रह गया थार जानकारी नहीं भाई जी जानकार है जी थारने दी वैसे हम पहली नहीं मान तो कौन दियो भाई जी मारो नंबर है पहलो। दर्शन वर्शन कर आ गया अबे 21 मिनट यदि बारिश रुक के डी रह जावे नहीं तो फिर आराम से ग्राम पुग जिसिया। ओए बैठो रे मैं आन लाग रही बारे विवान ओ विवान ओए लक्की कन गाऊ ओ लक्की कोनी है पक्की है
अठे मंदिर में दर्शन करया उजू बठई बैठे हां इया कोनी के मेठम जाव है तो चलला पण मेठम ही कोनी चलला के चाय बना के ले रहे हूं मैं। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो फ्रेंड। आज तो बहुत ही तगड़ा दर्शन करे हम भैरून जी का। जब गया जब नॉर्मल बारिश ही, बाद में जयाबाद में बरसन लगी, दो घंटा तो इंतजार करे, फिर अब बारिश का वन भीजता भीजता 6 किलोमीटर चला कर आया हमें घर। तो अभी थोड़ी नहा दे कर लिया, अभी बाद में रोटी टुकड़ो घसिया। तो अब रोटी रोटी खा रहे में आया हाँ। आज तो पूरे दिन में बरसो, थोड़ी सी देर ठम्मे जना मंदिर जा रहा है, जे दर्शन कर मंदिर उबारे निकले, पाछो दौर को मैं बरसा लागो, फिर दो घंटा बैठाए आराम करो। आराम क्या करो, वह तो मजबूरी होगी, मैं बरसो जना रुकनो बड़े बड़े। और अब घर आया, रोटी रोटी खाइया, अब सोने की तैयारी है। हर एक बात और, मैं बड़े मंदिर चूड़ो ले रही, बहुत ही शानदार लगे, पंजाबी चूड़ो है। तो मैं आज तो दिखाऊंगा नहीं, काल अरे ब्लॉग में पैर के ही दिखाऊँ। तो आज का ब्लॉग अठे ही समाप्त करा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लिया, और वो घंटी वाला बटन है ना, वो तो दबाना है। ओके।